बस और अनुबंधित बसों के समय को लेकर विवाद हो गया है। विवाद के दौरान बस स्टैंड पर मौजूद एजेंटों ने बस संचालक के साथ मारपीट भी की है। बताया जा रहा है कि उज्जैन भोपाल चलने वाले सूत्र सेवा की बस जो सुबह 7:40 पर आती है, वो बस करीब 11:10 पर आई। उस समय इंदौर भोपाल चलने वाली बस का समय था। इसको लेकर अफसर घोसी के साथ एजेंटों और बस के स्टाफ ने मारपीट की। देवास राजेश पवार की रिपोर्ट। और बस के स्टाफ के द्वारा मारपीट की गई और पुलिस प्रशासन दोनों पार्टी को ले जाके अंदर कर दिया। तो ये सूत्र सेवा की बसों का कोई समय नहीं है। देवास से इंदौर चलने वाली बसें आधा आधा पौन पौन घंटा एक एक घंटा भरती है। उज्जैन रोड की बसें भी यही 45 मिनट 50 मिनट एक एक घंटे खड़ी रहती है, भरती है। जब तक प्रशासन इन गाड़ियों के समय का निकाल नहीं लगाएगा, जब तक यहाँ रोज विवाद होंगे और रोज विवाद की स्थिति बनेगी। बस में छोटी मोटी अगर कोई विवाद हुआ उसकी रिपोर्टिंग उसके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं। यहाँ कोई भी एजेंटी सिस्टम नहीं चलेगा, किसी भी रूप में एजेंटी सिस्टम नहीं चलेगा। सारे एजेंट बिल्कुल अच्छी तरह सख्ती से उनके खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और किसी प्रकार का यहाँ पर एजेंटी सिस्टम नहीं लगेगा। सर, ऐसा प्रतीत होता है कि एजेंटों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है? कोई पुलिस का कोई संरक्षण नहीं। मैं बैठा हूँ, टीआई साहब बैठे हैं और यहाँ ट्रैफिक टीआई भी बैठी है, किसी का संरक्षण किसी रूप में भी नहीं है। बुधनी विधानसभा के नसरुल्लागंज में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह ने किया चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। नगर के मिलन मैरिज गार्डन से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता श्रीमती साधना सिंह के नेतृत्व में एक विशाल रैली के साथ बीजेपी चुनाव कार्यालय पहुंचकर वहां पर उन्होंने फीता काटकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील भी की। और जैसे ही वो रैली के रूप में नगर में निकली, उनका लोगों ने फूलमालाओं से स्वागत किया। खासकर महिलाओं ने गजब का उत्साह देखा गया। नसरुल्लागंज से फिरोज खान की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की आहट शुरू होते ही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सक्रिय और ऊर्जावान युवाओं को कांग्रेस कमेटी ने जिम्मेदारियां सौंपना प्रारंभ कर दी है। फातेगांव के युवा रफीक शेख को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव पद पर मनोनीत किया। जैसे ही रफीक शेख को कांग्रेस कमेटी में सचिव पद की जिम्मेदारियों से मनोनीत किया गया, वैसे ही फातेगांव नगर में कांग्रेसियों ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। फातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। मेरे सम्मानित चंद्रप्रभा शेखर जी एवं हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष परम आदरणीय श्याम होलानी जी ने मुझे विश्वास करके, मुझ पर विश्वास करके यह इतनी बड़ी जवाबदारी दी है। मैं इस जवाबदारी को अपने दिल से, अपने मन से निभाऊंगा, हर युवाओं को जोड़ूंगा, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करूंगा और लगन से इस बार पार्टी में मेहनत करके पार्टी को आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। हंडिया टेल एरिया के किसान जहां लंबे समय से पानी की समस्या को लेकर खासे परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं नहर विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के परिणाम स्वरूप नहर का पानी विगत 2 दिनों से खेतों में भर आने से किसानों की बोई हुई फसल खराब कर रहा है, जो विभाग की कथनी और करनी की पोल खोल रहा है। कृषक राजेश तिवारी, दीपक अग्रवाल, मुकेश भट्ट आदि के खेतों में नहर का पानी भर जाने से राजेश तिवारी की 2 एकड़ जमीन, दीपक अग्रवाल की 5 एकड़ एवं मुकेश भट्ट की 2 एकड़ में लगी गेहूं की फसल बर्बादी की कगार पर जा पहुंची है। हंडिया से अवधेश तिवारी की रिपोर्ट। 5 एकड़ की फसल गेहूं की 10 दिन हो गया उगे हुए, वो खराब हो गई है धोबी बाबा वाली नहर से। नहर का पानी पूरे खेत में फैल गया है। बार बार नहर विभाग को शिकायत करने से भी नहर विभाग वाले कोई ध्यान नहीं दे रहे। धोबी वाला नहर के यहाँ जो नहर लगी है इसमें कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है। मेरे खेत 2 दिन पहले बोया था जिससे 3 एकड़ में भारी नुकसान हो गया, सड़ गया सब गेहूं और निकासी कोई व्यवस्था नहर विभाग द्वारा नहीं की गई है। इस संबंध में नहर विभाग को अवगत कराया गया था? पहले कराए थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज सीहोर पहुंचे जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के कारण सीहोर सीट का बड़ा महत्व है, जहां से भाजपा ने स्वदेश राय को अपना प्रत्याशी बनाया है। स्मृति ईरानी ने भाजपा का गुणगान करते हुए शिवराज सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेताओं को महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता, कांग्रेसी नेता दोनों समुदायों के बीच जहर घोलने का काम करते हैं। आष्टा से मोहम्मद सादिक की रिपोर्ट। महिला के खिलाफ ही इस प्रकार का बयान नहीं, बल्कि हाल ही में मैंने खुद एक ऐसा क्लिप भी देखा जिसमें हिंदू मुसलमान के बीच में राजनीतिक
फर्क कांग्रेस पार्टी के नेता बतला रहे हैं। ये चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। इस चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र को, विकास को सशक्त करने के प्रति भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। और कांग्रेस पार्टी का नेता जिस प्रकार से अभद्र शैली में न सिर्फ महिला का वर्णन करता है बल्कि दो दो समुदाय के बीच में भी जहर उगलता है, वो अपने आप में विशेष रूप से निंदनीय है। नगर पालिका कार्यालय परिसर में दो कर्मचारी आपस में भिड़े। फायर फाइटर चालक भगवान सरोदे ने नपा के वाटर सप्लायर शरद पाटिल की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी है, जिससे वाटर सप्लायर का बायां हाथ हुआ फ्रैक्चर। नपा सीएमओ ने वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के लिए नपा थाने को लिखा पत्र। नेपा नगर से राजेंद्र गाड़े की रिपोर्ट। हाँ, वो मेरी ने कटाया, कटवाने वाले उसको ऐसा लग रहा है कि इनने कटवाया। वो उस दिन से खुन्नस खा के गाली भी गलत कर रहा, कुछ भी माँ बहन के ऊपर से गाली गलत करता। अभी तो बोले बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं, तुमको भरना ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा। हाँ, ये आपको छोड़, ये हाथ टूट गया मेरा। जो शरद पाटिल है जो वाटर सप्लाई का काम करते हैं नगर पालिका नेपा नगर में, जिनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है कि वहीं के चालक हैं जगन्नाथ सरोते, जिनके द्वारा पुरानी नल पाइपलाइन काटने के बात को लेकर उनके साथ मारपीट की गई है, जिस पर थाना नेपा नगर में जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है।